नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं किमी अरोड़ा वर्मा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी आज। लगातार पांचवीं बार बजट पेश करने जा रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से महंगाई की मार झेल रही जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। साथ ही मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोग इनकम टैक्स में छूट की आस लगाए हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। शुरू हो चुका है बजट का काउंटडाउन। क्या निर्मला सीतारमण के पिटारे से निकलेगी राहत? क्या इस बार टैक्स पेयर्स को बड़ी सौगात मिलेगी? महंगाई डायन पर काबू करने के लिए वित्त मंत्री करेंगी बड़ा ऐलान। मोदी 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट से आम जनता को मिलेगी सौगात। आम बजट को लेकर ये सारे सवाल देश की जनता के जहन में भी घूम रहे हैं। मोदी 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट का इंतजार आम जनता के साथ सरकार और विपक्षी दलों को भी है। मोदी 2.0 के आखिरी बजट से क्या मिलेगा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को जब नए भारत का बजट पेश करेंगी, जो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा, ऐसे में महंगाई की मार झेल रही देश की जनता बड़ी राहत के लिए वित्त मंत्रालय की तरफ टकटकी लगाए बैठी है। माना जा रहा है कि लगातार पांचवी बार बजट पेश करने जा रही निर्मला सीतारमण साल 2024 में होने वाले आम चुनाव को देखते हुए जनता पर सौगातों की बौछार कर सकती है। देश के सभी वर्गों को बजट में कुछ ना कुछ राहत देकर खुश करना चाहेंगी। देश का नौकरी पेशा तबका मोदी सरकार से इनकम टैक्स लाभ में बढ़ोतरी के साथ खासी उम्मीदें लगाए बैठी है। तो आम आदमी को खुश करने के लिए, मिडिल क्लास को खुश करने के लिए 5 लाख तक का इनकम एग्जम्पशन हो सकता है। बहुत सारे जिसको एग्जम्पशन की बातें हो सकती है, लेकिन रोजगार बढ़ाने के लिए जो मिनिमम वेज है जो 12,000 से 15,000 है, वो लेने वाले करीब करीब 40 करोड़ लोग हैं, उनकी आय बढ़ने की कोई भी संभावना मुझे नहीं लगती कि ये सरकार कर सकती है न करेगी। महंगाई डायन से मिलेगी राहत। देश के हर 4 में से 3 लोग बढ़ती महंगाई से परेशान है। लोगों की मांग है कि सरकार महंगाई को काबू करने के लिए कोई बड़े कदम उठाए। वित्त मंत्री सीतारमण जी से उम्मीद है कि जो टैक्स है कम करें, बहुत ज़्यादा कम कर दें, बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ तो जरूर करें। गरीब आदमी है, बहुत परेशान है, आदमी को खाने पीने में भी दिक्कत हो रही है। क्या देगा मोदी 2.0 का आखिरी बजट? मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट से सैलरीड क्लास के लोग भी उम्मीदें लगाए बैठे। जनता इनकम टैक्स में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के साथ निवेश पर टैक्स रिबेट में बढ़ोतरी चाहती है। अभी 2.5 लाख की सालाना इनकम पर टैक्स नहीं लगता। बजट में सरकार इस सीमा को 5 लाख तक बढ़ा सकती है। आयकर स्लैब में पिछला बदलाव 10 साल पहले हुआ था। इससे पहले 2014 में इनकम टैक्स की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किया गया था। मोदी सरकार गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं, मसलन फ्री राशन, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास को जारी रखना चाहती है। सरकार 2024 तक 84 लाख नए घरों को मंजूरी देने का लक्ष्य तय कर सकती है, जिसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY के लिए सरकार 40,000 करोड़ रुपए की घोषणा कर सकती है। ऐसे में चुनाव से पहले के इस पूर्ण बजट टैक्स स्लैब में बदलाव कर सरकार नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत देकर बड़ा संदेश दे सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।